सो हे एवरीवन, मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मेरे पास एक रूम है जो कि बहुत ज़्यादा मैसी है और उसको मुझे थोड़ा सा लाइक डेकोर तो नहीं करना है बट एटलीस्ट सिर्फ थोड़ा सा सेट करना है जिससे मैं अपना स्टिचिंग के लिए यूज़ कर पाऊँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ रूम। वेट, ये है मेरा रूम एक जो कि पूरा कबाड़ है, तो इसे मुझे अच्छे से सेट करना है। सो लेट्स डू इट। सो हाँ, फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको एकदम क्लीन करना शुरू कर दिया बिकॉज मुझे आगे भी वीडियोस बनानी थी। मेरा स्टिचिंग का पूरा बाहर था हॉल पे, बट वहाँ पे ना सारी चीज़ें ऐसे मैसी दिखता था, जैसे सब लोग कोई आता था तो भी वो चीज़ डमी वगैरह मेरा सब कुछ ऐसा बाहर दिखता था, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती थी। दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला रूम को यूज़ करूँगी। और वैसे भी ये रूम हमारा खाली पड़ा हुआ था, इसमें कोई काम तो था नहीं, तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम इसको ही यूज़ करेंगे। मैं इसको पता नहीं कितने टाइम से ऐसे क्लीन करने के बारे में सोच रही थी, बट हो ही नहीं पता था, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था कुछ ना कुछ ऐसा। बट फाइनली मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इस रूम का जो भी सामान था वो मैंने कुछ हॉल में शिफ्ट कर दिया, और फिर कुछ किचन में भी एक हमारा स्टोरेज करने का एक था छोटा सा, क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, ठीक है जो भी है वहाँ पे स्टोर करने का स्टोर रूम, या एग्जैक्टली स्टोर रूम, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम दिया हुआ है। तो फिर हमने यहाँ का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया एकदम प्यारे प्यारे तरीके से, तो ये सुंदर लग रहा था। ओके, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर करें। थैंक यू। यार टू बी फ्रैंक, मुझे ये वीडियो देखने के बाद मुझे सच में ऐसे यकीन हो गया है खुद पे कि मुझे झाड़ू पोछा करना बिल्कुल भी नहीं आता है। लाइक मुझे, मैं ये सब कर रही थी ना, मुझे उस लगता था मैं कर क्या रही हूँ, पर चलो ठीक है कर लेती हूँ करके। और मालूम है क्या, मैं मोस्टली उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करती हूँ जब सेकेंड डे हमारे यहाँ काम वाली नहीं आती होती है। उसे क्या होता है कि मैं एक दिन पूरा एकदम घर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कि सेकेंड डे वो मतलब जिस दिन वो नहीं आता उस दिन अच्छे से क्लीन कर लूँगी पूरा। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है सारी चीज़ों क्लीन करने के लिए, फिर सेकेंड डे आके वो अच्छे से सफाई कर देती। तो यार ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने यहाँ पे अपना एक एक करके अब प्यारे प्यारे से कपड़े डालना स्टार्ट कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। और हाँ, मैंने ये अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे सोचा कि इंडोर प्लांट भी रख देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था यार, सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरी दुल्हन कितनी क्यूट है यार। इस कॉर्नर के बारे में मैंने कुछ सोचा है कि मैं वहाँ पे कुछ रखूँगी, बट मैंने वहाँ पे मिरर रखने के बारे में सोचा है, बट अभी तक मेरा मिरर आया नहीं है। जैसे आ जाएगा तो फिर मैं वहाँ पर रखूँगी। और ये जो सेकेंड कॉर्नर था ये बहुत मैसी था, तो मैं इसको बोली कि चलिए इसको क्लीन करती हूँ, बट इतने में हमारे यहाँ लाइट गोल हो गई और जब लाइट आई तो फिर मैं शूट करना वैसे भी भूल चुकी थी। तब तक मैं आधा क्लीन कर चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। मैंने ये अलमारी क्लीन कर दिया था, उसके कपड़े वपड़े ठीक से जमा दिए थे और ये सारे खड्डे वगैरह ठीक है। फिर इनको मैंने कुछ स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया, एक को तो ये छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा था और मैं इसको कहीं शिफ्ट नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने ये वाली जगह क्लीन की, यहाँ पे अपना टेबल और मशीन रखने के लिए। तो फिर से मैं आगे झाड़ू पोछा लेके, क्योंकि मुझे बिल्कुल करना नहीं आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे टेबल लाया, टेबल के साथ
उसको अच्छे से जमा दिया। और ये हमारा डिस्पेंसर, मतलब कहीं और रखने की जगह नहीं है तो फिर मुझे इसको यहीं रखना पड़ा। और ये दोनों चीज़ें इजीली यहाँ पे आ गए बिकॉज़ यहाँ पे दो स्विच थे, थैंक गॉड। तो ये दोनों यहाँ पे एडजस्ट हो गए, फिर मैंने यहाँ पे टेबल रखा, अपनी मशीन वगैरह लेके आई और सारी चीज़ें एकदम धीरे 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 करके अच्छे से जमा दिया। लग रहा है ना ये सब सुंदर सुंदर, बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा शायद यहाँ से। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वो जो कॉर्नर खाली मैं वहाँ के लिए ना मिरर लेके आने वाली हूँ, और एक कॉर्नर अमेजोन में मैंने देखा है बहुत प्यारा सा, उसको भी लाने वाली हूँ, तो इसलिए वो जगह खाली है। ओके, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।